बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का डे था और स्पेशली हमने आगोश का विज़िट किया है। ख़ास तौर पे जो हमें खुशी हो रही है कि काफ़ी जगह हमारा आना जाना होता है, लेकिन जिस मियार से यहाँ आगोश में बच्चों की तरबियत हो रही है और उनके खाने का मियार, सोने का मियार और बच्चों में यहाँ मदर जो उनकी परवरिश कर रही हैं, तरबियत कर रही हैं, वो बहुत आला है। वो एक मिसाल है, ये हमने आज ख़ुद देख लिया है कि ये ऐसा अदारा है जहाँ तरबियत भी दी जाती है, आश के रसूल भी बनाया जाता है। फिर बचपन से बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जिस तरीके से इंतज़ाम किया गया है उनकी रहाइश का, उस वो बेमिसाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौर में हैं आगोश में, आगोश स्कूल सिस्टम जो है, आगोश ग्रामर स्कूल यहाँ टाउनशिप में, और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद काफ़ी देर हम बच्चों के साथ रहे, बच्चों के साथ एक्टिविटी कुछ की है, बच्चों का लाइफस्टाइल देखा है, बच्चे कहाँ रहते हैं, अपना सामान कहाँ और किस तरह रखते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि सबको कबर्ड सबको अलग दिया है, सबका अलग बेड है और उस बेड पर तकिया चादर बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है। और ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हर 8 बच्चों के ऊपर एक मदर है, माँ जो बच्चों को देखती है, बच्चों का रहन सहन, उनका काम तरीका। तो न सिर्फ यहाँ पर बच्चों की तालीम बल्कि तरबियत का भी सामान किया जा रहा है। फिर बच्चों का खाना हमने देखा, बल्कि हमने भी वही खाना खाया यहाँ पर बच्चों के साथ बैठ कर कि जो बच्चे खा रहे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी का। बच्चों से हमने पूछा भी, रोज़ाना बकायदा एक हफ्ते का एक मीनू बनता है, उसमें जो बच्चों की पसंद है उसको भी शामिल हाल किया जाता है, शामिल मीनू में शामिल किया जाता है। बहुत अच्छा लगा। मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए बच्चे, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, कसूर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हमें बच्चे मिले। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला ज़्यादा ताकत तवानाई अता फरमाए इन लोगों को कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को की देखभाल कर सकें। और सबसे बढ़कर एक दफ़ा फिर कि तालीम के साथ साथ तरबियत का यहाँ पर सामान हो रहा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है।